अतिवृष्टि प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। किसानों के समर्थन में करनी सेना ने भी शासन से मांग की है, जिसके बाद शासन ने आदेश जारी कर सर्वे चालू कर दिया है। शासन से जल्द किसानों को मुआवजा राहत राशि दी जाए। आज ग्राम खड़ी डोडिया में सर्वे दल ने सोयाबीन की फसलों का सर्वे किया। धामनो से विशाल सिंह मंडलोई की रिपोर्ट। हमने किसानों के समर्थन में जो अतिवृष्टि हुई है, जो किसानों की फसल नष्ट हुई है, उसमें किसानों के लिए जो मांग थी उसका समर्थन करते हुए शासन से हमने भी मांग करी थी। इसलिए शासन ने आदेश दिया है जारी सर्वे करने का। सर्वे चल भी रहा है, चालू भी हो गया है। उसी सर्वे के तहत अब जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया गया। शासन से हमारी यही मांग है। राजेंद्र सक्सेना, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत खड़ी। हमारे ग्राम खड़ी में जो ये जो बहुत अधिक बारिश हुई है और सोयाबीन के अंदर जो कीड़े लगे हुए इससे बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसान पूरी तरह से हताश हो चुका है, परेशान है और फसल का लगभग 90% नुकसान हो चुका है और अन्नदाता बहुत दुखी है। तो हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इसका सर्वे के अंतर्गत इसका बहुत अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। मैं दिलीप सिंह डोडिया, ग्राम खड़ी डोडिया से। यहाँ पे जो हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि पूरा 90% या 100% ही हमारा नुकसान हुआ है, इसका भरपाई करें, अन्यथा किसान आत्महत्या करने जैसी परिस्थिति में है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।